वेलकम टू जीएसटी नाम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ अर्निंग के बारे में। अभी तक हम आपसे चर्चा करते हैं टैक्स के लिए। रिक्वेस्टेड वीडियो ये बनाया हूँ। कई लोगों का कहना था कि सिर्फ हम टैक्स देने के लिए बात करते हैं, कुछ कमाने के भी बात किया जाए। आईपीओ क्या है, आईपीओ की पूरी जानकारी आज हम यहाँ लेंगे कि क्या है आईपीओ। आईपीओ के बारे में आज हम इस पर चर्चा करें। एक्चुअली देखिए, जो शेयर मार्केट होता है उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, सियोरिटी नहीं है, ये अनसिक्योर मार्केट होता है। क्योंकि जो बाजार में जो स्टॉक मार्केट है इसमें पता ही नहीं चलता है कि कब रेट जो है आईपीओ का बढ़ जाएगा, कब कम हो जाएगा स्टॉक का, शेयर का, ये एक सवाल होता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसकी स्टडी कर लेते हैं और कुछ दिन करने लगते हैं तब फिर आपकी आदत हो जाती है, और जब आदत हो जाती है तब जो मजा आता है वो पैसा कमाने का मजा, वो नशा ही कुछ और होता है। तो करके देखिए, इस वीडियो से हम कोशिश किए हैं आपको समझाने की क्या है आईपीओ, आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जानिए, जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है। दो तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है आपको प्राइमरी मार्केट और दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जानेंगे। प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ के जरिए इन्वेस्टिंग करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड शेयर होते हैं उसमें इन्वेस्टिंग की जाती है। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आप समझेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एक्चुअल में आईपीओ है क्या। सबसे पहले समझिए, जो आईपीओ है, आईपीओ स्क्रीन पे आप देखिए, आईपीओ का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको कहा जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, शेयर का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा, वो जब अपने कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है तो इसको आईपीओ किया जाता है, कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में कंपनी अपनी शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, और यह प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। और अगर ज्यादा साधारण तरह से जानना चाहते हो ना, तो इसको कहोगे कि आईपीओ के जरिए जो कंपनी है अपना फंड एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, कलेक्शन करती है, किससे, मार्केट से, मार्केट मतलब पब्लिक से, लोगों से, और उस फंड को कंपनी के ग्रो के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए खर्च करती है, एक्सपेंस करती है। और उसमें जो आपसे पैसा लेती है कंपनी, उसके बदले में आपको जो आईपीओ देती है, तो उस आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से, जितना हिस्सा आपने खरीदा, 10 शेयर, 5 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर, उतने हिस्से का आपको ओनरशिप हो जाती है, आप उसका मालिक हो जाते हो। एक कंपनी एक से ज्यादा बार भी आईपीओ ला सकती है, और कई कंपनियां जो हैं आईपीओ जो लाते हैं उसके बहुत सारे कारण्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, उस रीजन की हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। आपको मैं अपना मेल आईडी नीचे दे दिया हूं, ram83prakash@gmail.com। आप स्क्रीन पे देखेंगे, कोई क्वेरी हो तो आप मेल कर देना और सब्जेक्ट लाइन में लिख देना कि रिगार्डिंग आईपीओ, बस इतना लाइन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आईपीओ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि आईपीओ लाया क्यों जाता है, रीजन टू लॉन्च आईपीओ, क्यों आईपीओ को लॉन्च करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, आईपीओ लॉन्च करने का तीन कारण मैं आपको बता रहा हूं, तीन रीजन जो मुझे लगा, जो मैंने स्टडी किया उस पर बता रहा हूं। फॉर एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए, हम पहली पॉइंट इसकी चर्चा करते हैं, इस पॉइंट की, फर्स्ट रीजन की। जब किसी कंपनी को लगता है कि वो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ कर रही है, वो सपोज मुंबई में भी ओपन है, वो चाहती है दिल्ली में कंपनी खुले, गुरुग्राम में खुले, नोएडा में खुले, या इंडिया के और किसी पर्टिकुलर सिटी में खुले कंपनी, तो उसको विस्तार करने के लिए उसे
लोगों की, इंसान की, आदमी की जरूरत होती है, और आदमी की जरूरत के साथ साथ पैसे की जरूरत होती है। तो कंपनी को विस्तार के लिए, देखिए कंपनी चाहे तो बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन बैंक से जब वो लोन लेती है तो वहां पे भी उसके लिए दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं कि जब बैंक से लोन लेगी तो उसको रिटर्न तो करना है, रिटर्न यहां भी करना है, बैंक को एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे रिटर्न करना पड़ता है पैसा को। जबकि अगर कोई कंपनी आईपीओ के जरिए फंड को कलेक्ट करती है तो उसे किसी को ना तो वो पैसा लौटाना पड़ता है और ना ही किसी तरह का ब्याज देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट किसी को नहीं देना है। ये हो जाता है एक कंपनी को बेनिफिट। अब आईपीओ खरीदने वाले लोगों को क्या फायदा है? अब आप कहोगे कि कंपनी को बैंक से लेती है कंपनी लोन तो वहां देना पड़ रहा है, अब हमें क्या देगी, हम आईपीओ क्यों खरीदें, हमें क्या बेनिफिट है? जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी में कुछ परसेंटेज की शेयर मिल जाती है, हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयर्स को 2%, 1%, 4% जो पार्ट है, हिस्सा उसका है, वो खरीदा है, तो उस कंपनी के 2% हिस्सा या 4% हिस्सा या 10% हिस्सा जो उसका है, पार्ट है, उसका आप एक तरह से मालिक हो जाते हो। तो इस तरह से जो आईपीओ परचेज करता है और जो कंपनी उसे लाती है, सेल करती है, यानी इन्वेस्टर को भी फायदा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है, पहला चीज। अब ये वीडियो मुझे इसलिए एक्चुअली देखिए बनाना पड़ा कि जब बजट में सीतारमन जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि हम LIC का आईपीओ ला रहे, लोगों में खलबली मच गई। लोगों में जो खलबली मची है उसका क्या कारण है? जो LIC के एम्प्लॉयज हैं उन्हें तो लग रहा है कि भैया इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट मत करो, आईपीओ मत लाओ। जो आम जनरल पब्लिक हैं, आम लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि आईपीओ आए तो शायद मैं भी कुछ खरीद लूं, 2-4 हजार रुपए कमा लूं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मैं LIC पे इसके टॉपिक पे कोई चर्चा इसमें नहीं करूंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आईपीओ क्या है, क्या इसका प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट लोन रिड्यूसिंग, नेक्स्ट पॉइंट जो है, रीजन जो है लॉन्च करने का आईपीओ, वो है लोन रिड्यूसिंग। जब कंपनी ज्यादा कर्ज में होती है, उसके पास लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। और ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन ना लेकर कर्ज जो रिटर्न करना पड़ेगा लोगों का, जो कर्ज ले रखी है, उसको पूर्ण करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर को बेच दिया जाए और उससे लोन का वो पेमेंट करके लोन रिड्यूस कर देते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी का तो लोन भी भुगतान हो गया, पे हो गया, और कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल जाता है, और इन्वेस्टर को उस कंपनी के कुछ परसेंटेज शेयर्स जो वो खरीदता है, उतने परसेंटेज का मालिकाना हक भी मिल जाता है। तीसरा रीजन होता है लॉन्च करने का आईपीओ का कि ये कंपनी जो है बहुत ग्रोइंग है और वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जैसे रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, इनके टाटा जैसी कंपनियां हैं जिनके पास सुई से लेके कहते ना हवाई जहाज तक बनाने की फैक्ट्रियां हैं, यानी कि कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और वो अब जो प्रोजेक्ट को कर रही है उसके साथ साथ कोई न्यू प्रोजेक्ट भी, न्यू प्रोडक्ट को भी लॉन्च करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में फंड की जरूरत होगी और उस फंड के लिए ये कंपनियां आईपीओ जारी करते हैं। और इससे क्या होता है, जब कंपनी द्वारा अपना नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस को लॉन्च करना होता है तो उसके लिए कंपनी चाहती है कि उस सर्विस या प्रोडक्ट का प्रमोशन हो और वह ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, इसलिए भी कंपनी आईपीओ लाती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करती है। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे LIC के बारे में अब हर लोग जान गए, मेरे पास
मतलब सप्ताह में एक दो कॉल वीक में आ ही जाती है कि सर ये आईपीओ आने वाला, कब आएगा LIC का आईपीओ भाई। बहुत एक्साइटेड हैं लोग, और जो एम्प्लॉई हैं बेचारे उनके लिए तो दिक्कत है ही। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अभी तक तो हम समझ लिए, अब अगली बात जो है वो है कि आईपीओ के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आईपीओ को दो पार्ट किया गया है। पहला पार्ट है फिक्स प्राइस इशू और फिक्स प्राइस आईपीओ, और सेकेंड पार्ट होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। तो हम पहले बात करते हैं फिक्स प्राइस इशू या फिक्स प्राइस आईपीओ क्या होता है, ये आईपीओ किसको कहा जाता है। आईपीओ जारी करने वाली जो कंपनी होती है, ये सबसे पहले जारी करने से पहले, आईपीओ जारी करने से पहले ये इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस के बारे में चर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मीटिंग में कंपनी आईपीओ का जो प्राइस है, जो कीमत है आईपीओ का, वो डिसाइड करती है, और उस फिक्स प्राइस पर जो वो मीटिंग में डिसाइड की जाती है प्राइस, उस फिक्स प्राइस पर ही कोई भी इन्वेस्टर आईपीओ को परचेज करता है, यानी कि सब्सक्राइब कर सकता है। यानी कि आप केवल उसी प्राइस पे आईपीओ खरीद सकते हैं जो प्राइस फिक्स्ड किया गया, यानी कि निर्धारित किया गया। नेक्स्ट हो जाता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। अब ये बुक बिल्डिंग आईपीओ क्या है? बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ का एक प्राइस बैंड डिसाइड कर देती है। जब आईपीओ, अभी जैसे कि नजारा का आईपीओ आया था, आप लोगों ने देखा, अनुपम रसायन का आईपीओ आया था, तो ये जितने आईपीओ जा रहे हैं उन सब आईपीओ में आप देखते होंगे कि एक बीट खरीदा जाता है। उस बीट की चर्चा हम बुक बिल्डिंग आईपीओ उसी को बोला जाता है। जब आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड हो जाती है, उसके बाद ही जब मीटिंग जो होती है इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, उसमें जो मीटिंग में प्राइस बैंड डिसाइड की जाती है, उसी प्राइस बैंड डिसाइड होने के बाद इसे जारी किया जाता है, और इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बीट करते हैं, और कुल मतलब बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस बैंड जो होते हैं उसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लोर प्राइस और दूसरा होता है कैप प्राइस। अब ये जो फ्लोर प्राइस होता है, प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम हो, ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम हो तो उसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और अगर आईपीओ का प्राइस ज्यादा है तो उसको कैप प्राइस बोलते हैं। यहां पे ये आपको ध्यान रखना होगा कि कुल बिल्डिंग जो बुक बिल्डिंग आईपीओ होता है, उस बुक बिल्डिंग आईपीओ में, यानी कि बिल्डिंग आईपीओ में कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस, बुक बिल्डिंग आईपीओ दो तरह का जो ये आपको मैं बताया, एक में होता है फ्लोर प्राइस और दूसरा हो जाता है कैप प्राइस। इस दोनों के बीच, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच 20% का डिफरेंस रखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हम ये आईपीओ के बारे में चर्चा कर ली, आईपीओ क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्यों लॉन्च किया जाता है आईपीओ, ये सारी चीजें हम चर्चा की। अब हम जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे करें इन्वेस्ट आईपीओ में, कैसे हमें पता चलेगा आईपीओ आने वाला है, एक्साइटेड होता है आदमी, कैसे पता चलेगा LIC का आईपीओ कैसे आएगा, कैसे जानोगे हम, ये हम जानते। आईपीओ के बारे में सब लोग जान लेते हैं कि क्या है, न्यूज में सुन लेते हैं, टीवी पे, बजट में, लेकिन ये आएगा कहाँ, कैसे आएगा, कैसे हम जानेंगे। सबसे पहली बात जानिए कि आईपीओ जो कंपनी जारी करती है वो अपना आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन के लिए ओपन करती है, जिसमें वो जब ओपन करती है, अगर आप डीमेट अकाउंट खोल रखे हो, डीमेट ओपन, तो जैसे एंजल ब्रोकिंग वगैरह कंपनियां हैं, ये सारे डीमेट अकाउंट खोलते हैं और ये शेयर मार्केट में काम करते हैं,
तो ये क्या करती हैं कि 3, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आईपीओ का पूरा सिस्टम, पूरा एक पीरियड लेके आते हैं। इसमें से कुछ दिन आपको टाइम दिया जाता है, 2 से 3 दिन सब्सक्राइब करने का, फिर अलॉटमेंट डेट होता है, फिर आपको अलॉटमेंट होने के बाद उस शेयर में लिस्टिंग होकर के आपके स्क्रीन पे आ जाता है और वहां से आप फिर उसको सेल परचेज कर सकते हो जब ये स्टॉक लिस्टेड हो जाती है। यानी कि 3 से 10 दिन के लिए इनको ओपन करती है। यानी कि कोई भी आईपीओ जब आता है तो उसे कोई भी इन्वेस्टर 3 से 10 दिन के भीतर ही खरीद सकता है, जितना वो पीरियड दिया है। तो जो 3 दिन के लिए वो पीरियड दिया है उतना दिन ही ये ओपन रहेगा पोर्टल पे, उतना दिन में ही आपको खरीदना है, ना कि आप चाहोगे 4थे दिन, 5वें दिन या 12वें दिन, मतलब जितना वो पीरियड दिया है उसके बाद खरीदने के लिए, तो आप आईपीओ नहीं खरीद सकते हो। कई कंपनियां ऐसे हैं जो अपना 3 दिन ही रखती है, तो कई कंपनियां 3 दिन से ज्यादा भी रखती है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड है। अब आप निश्चित दिनों के भीतर ही कंपनी के साइट पे जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के थ्रू, जो आप जितने भी ब्रोकर से मार्केट में जहां भी आप रजिस्टर्ड हैं वहां पे उनके पोर्टल पे जा करके आप उसको, अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो आपको उसी फिक्स प्राइस पे आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है तो आपको उस बुक बिल्डिंग इशू पर बिड लगानी होगी, और वहां पे आपको फिर आईपीओ का अलॉटमेंट होगा। और अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है। अब प्रोसेस अलॉटमेंट का क्या है? आईपीओ तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब इसका अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, अब ये हम जानते हैं। जब आपने बिड लगा दिया या फिक्स प्राइस में खरीद लिया, तब क्या होती है कि सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आईपीओ को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए खोला जाता है। जब आईपीओ को खोलने के बाद जो पीरियड आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो डेट बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कंपनी स्टॉक का यानी आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। और इसमें जो अलॉटमेंट करती है वो किसको अलॉटमेंट करेगी? जो इन्वेस्टर इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है उसको वो अलॉटमेंट देती है। अब जैसे, अब अगर आपने 10 बिड लगाया तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 बिड आपको मिल जाएगा। एक बिड मिल गया वो भी लक पे डिपेंड है। ये जो आईपीओ का अलॉटमेंट होता है, ध्यान रखना, लक पे डिपेंड है। आपको अलॉटमेंट मिल भी सकती है, अलॉटमेंट नहीं भी मिल सकती है। और जब आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, इन्वेस्टर को अलॉटमेंट हो जाती है, तब उस आईपीओ के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। और जब शेयर स्टॉक मार्केट में जाकर के लिस्ट हो जाता है, तभी आप जो है आप शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हो या बेचते हो, जो आप स्क्रीन पे देखते हो एंजल ब्रोकिंग वालों के या आईएफएल वालों के स्क्रीन पे जो आप देखते हो, वो लिस्टिंग होने के बाद आती है। वहीं से अब लिस्टिंग होने के बाद अब आप खरीद या बेच सकते हो। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं आप उन्हें बेच नहीं सकते हो। चाहे आपको अलॉटमेंट मिल भी चुकी है इन्वेस्टर को, तो आप बेच नहीं सकते हो। कब तक? जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती है। और एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाता है तो पैसा और शेयर ये दोनों इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज होने लगते हैं, आप कर सकते हैं। एक बार लिस्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट टाइमिंग के हिसाब से आप शेयर बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। अब ये सब होता किसके थ्रू? एक आपने नाम सुना होगा सेबी का, ठीक है, सेबी, SEBI, ये जो देख रहे हो ना, सेबी, SEBI, ये सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना भी शेयर मार्केट का काम होता है ये सारे काम भारत सरकार की सेबी संस्था जो है इसके अंतर्गत की जाती है, इसके निगरानी में की जाती है।
ऐसा नहीं है कि आपने फंड लगाया तो आपके फंड को लेके कोई भाग जाएगा, भागेगा नहीं। ये हो सकता है कि आपने शेयर आज 50 रुपए का खरीदा और कल वो शेयर 0 रुपए का हो गया। सपोज किंगफिशर में अगर किसी ने किया होगा इन्वेस्टमेंट, मैंने किया था तो आपको बता रहा हूं, किंगफिशर का शेयर आपने परचेज किया था और वो कंपनी ही डूब गई, कंपनी ही बंद हो गई, माल्या साहब खुद भाग गए। जब माल्या साहब ही भाग गए, जो मेन शेयर जिनके पास है, जो ओनरशिप लिए हुए अपने हाथ में, जब वही भाग गया, कंपनी ही भाग गई, कंपनी बंद हो गई, तो उस केस में आपका पैसा डूब जाएगा। अदरवाइज सेबी के निगरानी में होता है, यानी ये आपका पैसा को आपसे कोई ठगेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। लॉस प्रॉफिट हो सकता है बट आपको ठगा नहीं जाएगा। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने के बारे में सोचती है ना, तो उसको सेबी में जितने भी रूल्स होते हैं, सेबी ने जितना रूल बना रखा है इनके लिए, शेयर्स के लिए, आईपीओ के लिए, उन सबको फॉलो करना चाहता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उस कंपनी को आईपीओ लाने के कारण से लेकर के हर एक छोटी छोटी बात, क्यों ला रहे हो, किस लिए ला रहे हो, कैसे प्रोसेस है, क्या प्रॉफिट है तुम्हारा, सारी डिटेल्स सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है। और कंपनी जो सारी डिटेल्स रिपोर्ट करती है सेबी को, उसको कहा जाता है आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या बताया जाता है, ये ध्यान रखना। अगली वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन सी आईपीओ आने वाली है, इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, अगर मुझे टैक्स से, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह से जब भी टाइम बचेगी, तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने के लिए और शेयर करता रहूंगा। आज मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताया, आईपीओ क्या है, सजेशन अगले से वीडियो से दूंगा। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, चलो ध्यान रखना कि आपने पहली बात समझो, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईपीओ निकाली, आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट भी आईपीओ का हो गया, अलॉटमेंट होने के बाद शेयर भी लिस्टिंग हो गई, आपके पास सब चीज होने लगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करोगे, उस समय उस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी का बिजनेस डिटेल ये सेबी को दिया जाता है, सेबी इन सारे पॉइंट्स को रीड करता है, स्टडी करता है ये सारे पॉइंट्स को। उसके बाद आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, अगर आपको लगे, आप संतुष्टि लगे, आप सेटिस्फाइड हो, तभी आईपीओ लेना, किसी के कहने पे अपनी बुद्धि लगा के आईपीओ लेना। बिजनेस डिटेल, बिजनेस क्या है उसका, बिजनेस का सारा चीज बताती है सेबी को कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर उसको बनाना पड़ता है बताया जाता है, रिस्क फैक्टर उसको बताया जाता है, उसके बाद आपको रिस्क स्ट्रेटेजी बताया जाता है, प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, पास्ट फाइनेंशियल डाटा दिया जाता है 3 साल 4 साल का, कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 में अगर कर रहा है कोई कंपनी आईपीओ ला रहा है, तो पिछले पास्ट, फ्यूचर का तो नहीं, पास्ट का, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, आज जो कोई आईपीओ आएगा तो अभी 20-21 का आपको क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास एक डेटा तो आ ही जाता है कंपनी का, प्रॉफिट का या लॉस का, ये डेटा को इनको बताना पड़ता है। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो तिमाही और छमाही, लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो तिमाही छमाही अपना बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं, अखबार में आप देखते होंगे। तो ये सारी चीज को जब भी आप कोई आईपीओ मार्केट में आए, तो उसका ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना। बिना इसके पढ़े अगर लगे कि पास्ट फाइनेंशियल डाटा से आपको लगता है कि कंपनी ग्रोइंग है, उसका फिक्स्ड एसेट में ग्रोथ हुआ है, उसके सेल में ग्रोथ हुआ है, उसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है,
नेट प्रॉफिट उसका क्या है आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर ये सारी चीजें की जानकारी आपको हो जाती है और आपको लगता है कि ग्रोइंग कंपनी है तभी आईपीओ लेना, अदरवाइज नहीं लेना। इसकी जानकारी आपको कई पोर्टल पे मिल जाएंगी और नहीं हो कुछ तो MCA 21 जो साइट है ROC का उस पे सारी डिटेल तो नहीं लेकिन आपको मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के लोन लाइबिलिटीज के बारे में जानकारियां जरूर मिल जाएगी। उसके प्रमोटर्स कौन है, कहाँ कहाँ वो प्रमोट है, किस किस कंपनी के मैनेजमेंट टीम में, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रहना जरूरी है और ये याद रखिए। अब इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ लेकिन आपको इन्वेस्टिंग करने में इस कुछ बात जो मैं आपको बताया इसको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग से पहले आपको ये सारी चीजें पे हमेशा ध्यान रखना है। उसका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसको जरूर पढ़ना ताकि आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे नहीं हो पाए। तो थैंक यू। अगर कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत हो ना तो आप मुझे मेल कर देना ram83prakash@gmail.com पे या व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8448610923 पे। थैंक यू, बाय बाय।